मैं सुनिया सी लोकां कोलों कि वक्त बदलदा है ते अज वक्त लगा समझाउण मैनू। वीरे इकला मैं नहीं लोक भी बदलदे ने। हुण सोचण वाली गल एक, लोकां वांगू आपां भी बदल जाइए। जे हालात पए संभालने ने औखे तां छड्ड इन्हां हालातां नूं किसी नवे राह तुर जाइए। पर फिर ख्याल एक आउंदा मन विच, किन्नी कु दूर जावांगे, क्योंकि हालात तां डूंगे ने जी समुंदरां वांग, किथे किथे गोते लावांगे। जिथे तक मेरा ख्याल है भजना नहीं जे चाहीदा, पर हाँ जे मन बना ही लिया टक्कर लैण दा तां डरना भी नहीं चाहीदा। नाले एक पुरानी सोच लै के मन विच उठदे ख्यालां नूं दबाउणा, इह तां आत्मा नाल गदारी है। याद रखियो, किसी लूंबड़ वांग हालातों तो बचन नालों चंगा शेर बन हालातों ते काबू पाउणा ही असल समझदारी है, असल समझदारी है। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है जसप्रीत सिंह ते तुसी देख रहे हो सिंह संस कंसैप्ट क्लासेस 2.0। अज आपां कंटिन्यू करन लगे हां चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th मैथमैटिक्स विच्चों। आपां 1 मार्क वाले क्वेश्चन कर रहे सी, 1 नंबर करदे करदे 32 नंबर मैं कहा सी पूरे लैणे ने, ते आपां पहुँच चुके हां 5वें चैप्टर ते। मेरी पूरी कोशिश है कि तुहानूं थोड़े दिनां दे विच ही 15 दे 15 चैप्टर पूरे करवा देवां। ते मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहांगा कि तुहानूं अगर वीडियो पसंद आउंदी है तां सबसक्राइब कर लो, क्योंकि उहदे नाल मैनूं मोटिवेशन मिलदी है ते इह वीडियो ज़्यादा तो ज़्यादा बच्चों तक पहुँचती है जिन्ने ज़्यादा सबसक्राइब सानूं मिलदे ने। तो पहला क्वेश्चन की है, विच वन इज़ नोट एपी। चैप्टर का नाम सच मैं दस दवां, पहला चैप्टर नंबर 5 है क्लास 10th मैथमैटिक्स, अंकगणितिक लड़ियाँ अरथमैटिक प्रोग्रेशन है। खास गल की है, देखो एपी पहला क्वेश्चन ही यही है कि इन्हां चों एपी कि नहीं है। कुछ देखो लड़ियाँ की गल आती है, कुछ प्रोग्रेशन की गल आती है, कुछ अरथमैटिक प्रोग्रेशन होंदियां ने, कुछ नहीं भी होंदियां। जे नंबर तुहानूं वधदे नज़र आ रहे हैं जां नंबर तुहानूं घटदे नज़र आ रहे हैं, हो सकता है कि वह एपी हो सकता है भी वह एपी ना हो। पता किवें लगेगा, माड़ा जिहा प्यार ना समझो प्लीज़। पहला हल्के लैवल ते दसदा, फिर सोहणे लैवल ते गल करदे। हल्के लैवल ते तां इही है, देखो जिवें 3, 6, 9, 12, 15 आ एपी है। मेन रीज़न बड़ा सिंपल है, अगर तुहानूं फर्क सेम नज़र आउंदा ना, फर्क अंतर डिफरेंस अगर दो टर्म्स दे विच फर्क, जिवें 6 चो 3 कढ़े 3, 9 चो 6 कढ़े 3, 12 चो 9 कढ़े 3, 15 चो 12 कढ़े 3, सब च 3-3 का फर्क है भाई। तो जे फर्क सेम नज़र आउंदा तो यह एपी हैगी है। एक चीज़ होर समझाना, ध्यान नाल देखियो, 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4 ये भी एपी है, चाहे नैगेटिव वाल जावे चाहे पॉजिटिव वाल जावे। मतलब प्रोग्रेशन चाहे नैगेटिव होवे चाहे पॉजिटिव होवे, चाहे फर्क माइनस च होवे चाहे फर्क प्लस च होवे, बट अगर फर्क बराबर है, दो संख्यावां जिहड़ियां हैगियां आपां लै रहे हैं, दो टर्म्स जिहड़े दो पद बोलदे हैं इन्हां नूं टर्म्स कह दिंदे आ इंग्लिश च, ठीक है पंजाबी च कह दिंदे पद वी। अगर पदों दे विचला अंतर समान है, दो पदों दे विचला, इत्थे भी दो, इत्थे -2 दा फर्क है, -2 है। तां इन्हां नूं एपी बोलदे। हुण निक्की सिंपल जी गल दस्सां, किहड़ियां एपी नहीं हुंदियां। देखो 5 तों बाद 10 लै लिया, फिर 12 लै लिया, फिर 20 लै लिया, एपी नहीं हैगी। क्यों? 5 तों बाद 10 लिया तां 15 आना चाहिए, ठीक है ना, तां एपी बनूगी। तुहानूं होर दिखाना, 7, 10, 13, 16, 19 ये एपी हैगी है। किवें? 3 दा फर्क, 3 दा फर्क, 3 दा फर्क, 3 दा फर्क। अगर मैं इत्थे 25 लिखदा ना भाई, हुण ये एपी नहीं हैगी,
क्योंकि 25 आण करके भाई फर्क सेम नहीं रहा। ठीक है जी, हुण बस तुहानू कुछ हद तक गल्लां समझ आ गईआं होणीआं। देखो भी तुसीं पेपर च किवें करना, जे पेपर दे विच पुछ लिया जावे कि आ ए पी तुहाडे सामणे आ ते तुसीं देणा जवाब हाँ या ना च कि भाई यस है ए पी हैगी कि नहीं हैगी। देखो जिवें कि आ है, करन दा तरीका बड़ा सिंपल, प्यार ना समझो। इत्थे तां तुहानू सिर्फ ओरली समझाया, लिखना किवें है, नंबर लैणे ने ना लिखण दे मिलणगे, खाली यस नो लिखण दे नंबर नहीं मिलदे। मैं तुहानू पहले ही कह रहा, तो तुहानू चज नाल एक्सप्लेनेशन देनी पएगी, फिर मज़ा आएगा। देखो ये जिहड़े टर्म्स हुंदियां ने, पद हुंदे ने, ये टर्म्स नूं लिखण दा ढंग है। पहली टर्म T1, दूजी टर्म T2, T3, T4, हजम है इन्हों T1, T2, T3, T4 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। या सब तो मशहूर जो थोड़ी बुक दे विच भी है, A1, A2, A3, A4, आप इसनों A ना डिनोट कर दें। ठीक है जी, तो आप A लवेंगे क्योंकि वह ज़्यादा फेमस है। बाकी मैंने तुसी दस्सो नीचे कमेंट करके कि तुहानू कहड़ा चंगा लग्या, ए या टी। करना की है, दूसरी चो पहली टर्म माइनस करनी है, दूजी चो पहली, एवें तीजी चो दूजी, एवें चौथी चो तीजी। आई थिंक मेरी गल समझ गए शायद, तुसी समझ गए। देखो A2 चो A1, दूजी चो पहली कीती, 9 चो 6 कढ़े 3 आ गया, 12 चो 9 कढ़े 3 आ गया, फिर अगे 15 चो 12 कढ़े 3 आ गया जी। तो इतने की दिख रहा है, इतने दिख रहा है जो आप दिख रहे दिखावे भी कि जोड़ा A2 चो A1 माइनस किया है वह बराबर आया बिल्कुल वो जो A3 चो A2 माइनस करके आया, तो बराबर आया बिल्कुल वो जो अगे आया अपना A4 चो A3 माइनस करके। एदा माइनस, एदा माइनस, तो एदा माइनस, तिना का जो आप सेम वैल्यू आई है, इन मैं इरेज़ कर देव, कन्फ्यूज ना होवो तुसी, तिना की वैल्यू सेम आई है जिहड़ी कि आई है 3। ठीक है, सो इट इज़ एन ए पी, इस करके यह ए पी हैगी है, इतने लिखांगे इसलिए यह एक। तुसी इत्थे अंक गणित इक लड़ी पूरा लिख सकते हो पंजाबी या सिंपल भी लिख दो, कोई चक्कर वाली गल नहीं, यह एक ए पी है बस। हुण ओ वाला भी चेक कर लिए, देखो A2 माइनस A1 14 चो 10 कढ़ो, A3 माइनस A2 18 चो 14 कढ़ लो, फिर A4 माइनस A3 21 चो 18 कढ़ लो। लो भाई करो माइनस, 4 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, पहलियां दो तो बराबर आ गई, तीजी नहीं आई, फिर पहले दो तो भी आप 4 नहीं पाना, कुछ नहीं करना जी। ठीक है, A2 माइनस A1 बराबर हैगी है, मन रहे हाँ मैं A3 माइनस A2 दे, बट जी लास्ट वाली बराबर नहीं आई A4 माइनस A3 दे, इसलिए यदा आंसर आएगा इट इज़ नॉट एन ए पी। ना लिख देंगे सो इट इज नॉट एन ए पी, इसलिए यह ए पी नहीं है। ठीक है जी, तो मैं एक होर करवा देना तुहानू, बस एक लास्ट करवा देना, सी मैंने करवाने की लोड़ नहीं, काउंट आई मिस्ड, क्योंकि सेम सेम है तुहानू पता लग गया होएगा। तो इतने A2 माइनस A1 12 चो 7 कढ़ांगे 5 आ गया, A3 माइनस A2 17 चो 12 कढ़ांगे 5 आ गया, A4 माइनस A3 22 चो 17 कढ़ांगे 5 आ गया जी। लो जी आ गया, सो इट इज एन ए पी, यह एक ए पी हैगी है। क्यों है? क्योंकि ये तिने बराबर आए हैं, तो लिखांगे भी प्रॉपरली भी आ तिने नीचे लिख दो बराबर ने, इस करके ही ए पी हैगी है। ठीक है जी, डिफरेंस अगर कॉमन आंदा, सेम आंदा डिफरेंस, तो ए पी होंगी है, नहीं तो नहीं होंगी, इन्ना क लॉजिक है। अगे हम क्वेश्चन देखियो जी, ए पी का कहिंदे सांझा अंतर दसो, जवाक वाले काम जमी और सांझा अंतर आप कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिद करके आप डी लैटर यूज़ करते हैं डिनोट करने, तो फार्मूला
ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੀ ਯਾਰ, ਬਸ ਇੱਕ ਆਹ ਵਰਤਣਾ ਏ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਏ ਵਨ। ਏ ਟੂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 16, ਅਤੇ ਏ ਵਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 10। 16 'ਚ 10 ਕੱਢੋ, ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁਛ। ਕੁਛ ਕੁਸ਼ਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਦੇਖੇ ਕਿਵੇਂ। ਇੱਕ ਆਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਏ ਪੀ ਦਾ ਐਨਵਾਂ ਪਦ 3-2 ਐਨ ਹੈ। ਐਨਵਾਂ ਮਤਲਬ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਭਰੋਂਗੇ ਉਨੇਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ 2 ਭਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ 5 ਭਰਾਂ ਤਾਂ 5ਵਾਂ ਪਦ, ਜੇ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ 10 ਭਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 10ਵਾਂ ਪਦ, ਜੇ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ 2 ਭਰਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ ਪਦ, ਜੇ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਰਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਪਦ। ਐਨਵਾਂ ਪਦ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ 3-2 ਐਨ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਪਹਿਲਾ ਪਦ, ਦੂਜਾ ਪਦ, ਤੀਜਾ, ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ, ਡੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਦੱਸਦਾ, ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਪਦ ਲੱਭ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ 2-3 ਪਦ ਕੱਢ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ 1 ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ 2 ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੱਭ ਦਿਓ ਏ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਏ ਵਨ ਕਰਕੇ। ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਹੈਗਾ ਇੱਕ, ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਉਹ ਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਦੇਖੋ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਇਹ ਹੈ, 9ਵੇਂ ਪਦ ਵਿੱਚ ਡੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਐਨ ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਐਨ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਏ ਐਨ, ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਡੀ ਇਜ਼ ਕੋਫੀਸ਼ੈਂਟ ਆਫ ਐਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਡੀ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਡੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਚਿਪਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੀਗੀ, ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡੀ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਹੈ, ਬਸ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ? 2 ਆਂਸਰ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਾਟਾ ਵੱਜੂਗਾ, ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ -2। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਵਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਯਕੀਨ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ, ਬਸ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਲੰਬਾ ਤਰੀਕਾ ਦਿਖਾਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਰੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਵੱਡਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਵਨ ਕੱਢਦੇ। ਏ ਵਨ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ? ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ? 2 1s ਦਾ 2, 3-4 ਕੱਢੇ 1, ਮਾਈਨਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 3-4 ਕੱਢੇ 1 ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਏ ਟੂ, 3-2 ਅਤੇ ਇੱਧਰ 2, ਉਹੀ ਗੱਲ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? 2 2 4 ਇੱਥੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ 3-4 ਕੱਢੇ -1। ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਏ ਵਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਏ ਟੂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਡੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਹ 2 ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਏ ਵਨ ਆ, ਆਹ ਏ ਟੂ ਹੈ ਜੀ। ਡੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਏ ਟੂ 'ਚੋਂ ਏ ਵਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਦੂਜੀ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੜਬੜ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਤੋਂ ਫਸਟ ਟਰਮ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? -1। ਫਸਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? 1। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? -। ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋਂਗੇ ਸੋਲਵ, -1 ਪਲੱਸ -2 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਦਾ।
चाहे लंबा तरीका अजमा लो जी, चाहे छोटा तरीका अजमा लो। बाकी कमेंट करके दस्यो तुहानू तरीका कहड़ा पसंद आया, लंबे वाला कि छोटे वाला। चलो अगे देखो, अगे पूछा कहते ए पी दी हुई है, दसवां पद पता करो, टेंथ टर्म पता करनी है। बड़ा सौखा काम, बड़ा प्यारा काम, फार्मूले लर्न कर लियो। मैं जे चैप्टर करवा सकिया पूरा डिटेल दे विस्तार मैं तुहानू जरूर समझाऊंगा, बट फिलहाल लगता नहीं चांस है ने, क्योंकि मेरे को टाइमिंग की बड़ी दिक्कत आई हुई है। पहला सच मैं दसा तुहानू गल इहदी, ए एन एंथ टर्म का फार्मूला होंदा ए प्लस एन माइनस वन डी, आ फार्मूला होंदा। सीधी जी गल मैं दसा, जे जिवें तुसीं ए टेन पता करनी है तो तुसीं ए भरिया, एन की वैल्यू पुट की, मैं लिखा दस डी, तो ए टेन की वैल्यू आ गई ए जमा दस चो एक कढ़ो नौ डी। ठीक है, एन चो एक माइनस होगा, मतलब ला लो जे इत्थे मैं बारह लिखूंगा तो बन जूगा ए जमा ग्यारह डी, जे मैं इत्थे लिखा ए पंजाह तो की बन जूगा ए प्लस फोर्टी नाइन डी। हो की रहा है, एन विचों एक माइनस हो रहा है। ठीक है जी, आ प्यारा जहा फार्मूला अपने को, बस इतने यही लावे ए टेन पूछे, मैं ए टेन का फार्मूला सीधा ला रहा हाँ, ए प्लस नाइन डी वैल्यू पुट करो, ए दी वैल्यू ए मतलब ए वन पहली टर्म, फस्ट टर्म चार, डी का मुल डी 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 का मुल कढ़ना पड़ेगा, काली नहीं करती होंगी कहते भी, डी का मुल कढ़ लो, दूजी चो पहली टर्म, दूसरी चो पहले वाली माइनस करनी है, नौ चो चार कढ़ो पांच आ गया जी, तो पांच भर देने। हुण शियारी ध्यान नाल करनी कि प्लस माइनस बाद च करीदे होंदे ने, पहला मल्टीप्लाई करीदा होंदा। ठीक है जी, नौ पंजा पंताली, पंताली तो चार ये आ गया जी 49 आंसर। अगे देखो जी, खाली थावां यह जो डब्बे वाले सवाल आने चांसिस बड़े ने, तो इन्हों करन दे ढंग उदों भी ज़्यादा औखे ने। सच्ची दसा जे यदा सपोज ये जिवें सिर्फ एक डब्बा जिहदी जगह ते दो या तीन डब्बे आ जाए, फिर की करोगे? तरीका बड़ा सिंपल है, बुक के मैथड लंबा दे रखे, मैं तुम्हें एक चलाकी वाला मैथड दसदा जो तुम्हें कितने मिलना नहीं है। पहली टर्म नू ए वन बोलते हैं, दूजी नू ए टू बोलते हैं, तीजी नू ए थ्री बोलते हैं, तुम्हें पता सी इस गल का है ना। ए टू पता करनी है तो सिंपल फार्मूला, जिवें मैंने ए टेन पता की है, मैं ए टू भी पता कर लूँगा, बट एक प्रॉब्लम है डी की वैल्यू चाहिए, क्योंकि देखो डी भरे है तो ही आंसर निकल जाना, तो डी तो चाहिए चाहिए, पर डी इतने कढ़ना बड़ा औखा है, क्योंकि तुम्हें ए वन तो बाद ए टू खुद नहीं पता, फिर उ तो चक्कर का मारे, फिर तो अजीब जी गल होगी ना भी, ए टू भी पता करनी है डी भी नहीं पता, की करिए? एक प्यारा जहा मैथड है देखियो ध्यान, डी कढ़ने का वो आप चलाकी यही है कि जड़िया भी टर्म्स दे रखिया ने, अगर दो दतिया पे चाहे जड़िया मर्जी हो, चाहे जिमें एक पहली दे रखी हो, एक मतलब ला लो भी सतारवें नंबर की दे रखी हो, एक पहली दे रखी हो, एक सौवें नंबर की दे रखी हो, एक दसवीं दे रखी हो, एक पंद्रहवें नंबर की दे रखी हो, जड़िया मर्जी, बट जे दो दतिया हो घटो घट दो तो चाहिए ने, जे दो टर्म्स दतिया ने तो करना की है, जड़िया भी दो दतिया ने चक लो उन्होंने, जिमें इतने ए थ्री दे रखी है, ए वन दे रखी है, ए थ्री पहला ए वन बाद जी अगे वाली टर्म होगी उन्होंने पहला लिखा, छोटे वाली टर्म आप बाद लिखा। ठीक है जी, ए वन बाद लिखा, ए थ्री पहला लिखा, नीचे सेम टू सेम तीन माइनस एक नंबर, सिर्फ नंबर वाण है खाली नंबर, जिमें ला लो ए टेंथ टर्म होंगी तो यह एट थ टर्म होंगी, तो मैं इतने लिखता ए टेन माइनस ए एट, तो नीचे मैं कि लिखता दस माइनस अठ, गल बन जाती, तो देखो वैल्यू पुट करो ग्यारह माइनस पाँच, इधर तीन माइनस एक किता दो आ गया, ग्यारह चो पाँच कटे छे आ गया, बटा दो कटा के आ गया जी तीन, हाले आंसर नहीं आया, आराम ना करो, डी का मुल निकल आया, तो डी का मुल अपनी हेल्प करूँगा की पता करन च, ए टू देखो ए टू हूँ कड़ा ए प्लस वन डी, ए वन डी क्यों पाया मैंने, जिनी उरे एन की वैल्यू होंगी है उस चो एक माइनस करके आप डी दे नाल लगानी होंगी, तो इतने मुल भरीए
ए की जगह पर आप लिखांगे पांच, डी का मुल हैगा तीन, पांच जमा तीन एकम तीन, पांच तीन अठ, आंसर आ गया जी। बस चलिए क्वेश्चन होर कर दें अगले कुछ क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन ये करना उस बाद होर भी करांगे, टेंशन ना लो। माइनस 13 माइनस 9 माइनस 5 माइनस 1 कहते अगला पद पता करो किन्ने दे रखे ने, एक दो तीन चार, चार दे रखे ने, आप कड़ा पता करना चार तो बाद आला, पंजवा पद ए फाइव पता करनी है जी, पर पहला डी कढ लो, डी किवें कढांगे हुण इत्थे काम उलझदा बच्चों का, जिहड़ी गलती बच्चे करते हैं तुसी नहीं करनी, तुसी सीख लैना दूजे की गलती तो तुसी सीखना। ए टू माइनस ए वन गलती की होंगी है, मैं तुम्हें समझाना माड़ा ध्यान नाल देखियो। देखो मैं चलो इतने वैल्यू पुट कर दें आप ताकि तुम चंगी तरह समझ आवे, जो इतने वैल्यू पुट कर लगे हो तो मेरी रेकमेंडेशन हमेशा यह रहेगी कि जो माइनस नज़र आ रहा है जोड़ा माइनस फार्मूले इन्हें चुपचाप इतने लिख लो, बाद च वैल्यू पुट करो, समझ आई गल। माइनस पहला लिखी हूँ आप वैल्यू पुट करते हैं, ए टू की वैल्यू किन्नी है आ है माइनस नाइन है, ए वन की वैल्यू किन्नी है माइनस 13 है, माइनस 13 हूँ तुम्हें दिख रहा होगा भी यार तीन तीन बारी माइनस आ गए, इन्ने माइनस है देखने नहीं मिलते कदे, तो करना की है कि दो माइनस चिपका ना, इस करके इतने ब्रैकेट पाना बहुत जरूरी है। बराबर सोल्व कर दिया, माइनस 9 पिया रहन दो, जो ब्रैकेट ओपन होएगा तो ये माइनस बाहर आए माइनस ना टकरा जाएंगे, लड़ पैणगे, मार देंगे कि दूजे, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा जी 13, प्लस माइनस माइनस कितना 13 चुनो कटे 4 आ गए, डी की वैल्यू निकले। आपने की पता करना पंजवीं टर्म हूँ कर दे अपना, ए फाइव की होंगे फार्मूला, ए प्लस 4d 4d, तो बस वैल्यू पुट करो, ए दी वैल्यू माइनस 13 प्लस 4d दी वैल्यू कितनी है कली 4, ठीक है माइनस 13 माइनस 13 आ गया। गलती बहुत कर देने बच्चे, प्लीज ये गलती ना करे, मल्टीप्लाई पहला करना है प्लस माइनस बाद जो भी है, चार चौके 16 प्लस माइनस कितना 16 च 13 कटे 3 आ गया जी आंसर। आ तीन क्वेश्चन स्पेशल देखने किन्ने साऊ जे ते भोले जे क्वेश्चन लगते हैं ना, इन्ने साऊ है नहीं है, आराम नाल देखियो नहीं तो काम पक्का उलझन वाला होगा। पहला क्वेश्चन देखो की है, ए एन एन माइनस वन, जो तुम ए एन जिमें ला लो, मैंने ए एन की जगह पर 7 भरे माइनस ए एन की जगह पर मैं 7 माइनस 1 इतने है भरदा, तो की बनया है ए 7 माइनस 7 चो कडो 6 आ गया। सोच के देखो अगर मैं 7वीं टर्म चो 6वीं टर्म माइनस करा तो की निकलूगा, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सांझा अंतर निकलिया होगा ए पी का, ठीक है ना गल, अगर डाउट है तो होर भी देख लो। अगर मैं एन की जगह तो 2 लेंदा, ए टू माइनस वन, ए टू माइनस 2 माइनस 1 कितना आ गया 1, तो ए टू माइनस ए वन की होंगे डिफरेंस सांझा अंतर, ठीक है सौखा सी, चलो ये सौखा सी मान लें, ये लिख लेना मैं हूँ इरेज कर रहा। मेरा फेवरेट डस्टर किसने गिफ्ट किया, चलो देखो अगला क्वेश्चन, ए 20 माइनस 2 ए 19 प्लस ए 18, देखने सौखा पर करने बड़ा ही औखा, पर जे प्यार ना समझ लिया तो जमी सौखा, देखो फिर समझ के
सोचने वाली गल हुंदी वी करिए की, क्योंकि ये इस चो माइनस तो हो नहीं सकता, क्योंकि इतने 20 है उत्थे 18 है, ये तो डबल डबल जी आ रही, मतलब इतने डबल वाली गल आ गई, उलझा ही लगता काम। तरीका देखो ये है, ए 20 जरा दो टू टाइम्स ए 19 है, टू टाइम्स मतलब कि दुगना है, या कह लो भी दो वारी है, मतलब इतने ए 19 माइनस ए 19 दो बार लिख दो, फिर तुम्हें पता ना भी माइनस माइनस प्लस करांगे तो इतने दो बार ए 19 आ जाएगा, ठीक है। तो बस अभी अलग अलग करके लिख लो, इतने लिखा हुआ प्लस ए 18, चलो ठीक है। हूँ आराम ना दिमाग ठंडा ला के सोचियो सर की होएगा, इतने ए 20 माइनस ए 19, जो ए 20 चो ए 19 माइनस करांगे आप, मतलब ये बिल्कुल ना लगमी है टर्म ने, 19 तो बाद 20 आती है, तो की निकलेगा इन्हों का माइनस डी निकल है, ठीक है। हूँ ये दोहां का थोड़ा जा प्रॉब्लम है, क्योंकि आपां नूं आदत हुंदी है करन दी कि बड़े वाली टर्म प्लस वाली होवे, छोटे वाली माइनस वाली होवे, फिर आपां माइनस करिए कि 19वीं टर्म पॉजिटिव होवे, आ होवे नैगेटिव, फिर सौखा रहिंदा काम अपना समझना। चलो देखो आप ऐ कर लैंदे आ, माइनस कॉमन कढ लैंदे आ, तां शायद आपां नूं जो चाहिदा उह मिल जूगा। देखिए माइनस बाहर कढ लिया तो अंदर एक ही बचा, माइनस चलेगी, जदों इत्थों माइनस गई तो यह साइन हो गया चेंज, आ चीज आ गई पल्ले पै गई चीज है। की गल है जो माइनस कॉमन हो निकलिया ए 19 एवं रह गया, प्लस जगह पर आप माइनस हमेशा लिखना होंगे, क्यों लिखना होंगे तो मैं चेकिंग भी दिखा दूंगा। जे माइनस दोबारा अंदर जाऊगा तो सोच के देखो की होगा, माइनस इतना टच होगा माइनस ए 19 बन गया, माइनस जो इतना टच होगा माइनस माइनस फिर आऊगा प्लस, तो तुम इस तरीके ने चेक भी कर सकते हो कि तुम ठीक किया है। चलो हूँ देखो कि होगा डी माइनस, ये भी सेम उ आ गया ना, 19वीं टर्म चो अगर मैं 18वीं टर्म माइनस करा तो की निकलूगा, डी निकलिया होगा, इतने की सी माइनस है, हूँ डी चो डी कटे तो जीरो। क्वेश्चन अजीब जहा से बट सोहना सी, इंटरस्टिंग से, ते इंपोर्टेंट भी सी, ठीक है। चलो ए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, है ना, अगे क्या क्वेश्चन छोटा जा होर, एक क्वेश्चन है बहुत लेंथी पंगा लैन की बजाय मैं फिर सोचा कि आप कुछ छोटे तरीके ना कर सकते हैं। पहला समझ के देखो, एस 20 होंगे सम ऑफ फस्ट 20 टर्म्स, कि पहले 20 पदों का जोड़, ठीक है। एस 19 का मतलब है सम ऑफ फस्ट 19 टर्म्स, पहले 19 पद का जोड़, पहले 20 पदों का जोड़। अगर मैं फर्क करा एक तो लैके अगर मैं 20 तक, ठीक है, मतलब पहली तो लैके 20वें तक पद तक मैं जोड़ करा, तो मैं पहली तो लैके 19वें पद तक जोड़ करा, दोहां जिहड़ा फर्क आऊगा, सोच सकते हो किस चीज़ का फर्क आएगा। देखो समझ के देखो, बड़े प्यार समझ के देखो, पहली एपी दे विच 20 ने, दूजी एपी दे विच 19 ने, जोड़ दोहां च कीता, पहली दे विच 20 ने, दूजी दे विच 19 ने, तो जे मैं कहाँ फर्क, तो जिहड़ी उह 20वीं टर्म है ना, 20th टर्म है, वह होएगा फर्क, क्योंकि पहली दे विच अगर आपां 20वीं छड़ दईए तो बराबर हो गया फिर दूजी दे, यही फर्क है ना, पहली दे विच 20 टर्म्स ने, दूजी दे विच 19 टर्म है, ठीक है ना। सम ऑफ फर्स्ट इतने 20 टर्म है, फर्स्ट इतने 19 टर्म्स है, दोवां च फर्क केड़ा, 20th टर्म का। सो द डिफरेंस बिटवीन ये दोहां दा एस 20 एंड एस 19 इज द 20th टर्म, 20वीं टर्म है ना जिहड़ी, इहदा पंजाबी च भी लिख लियो कि एस 20 ते एस 19 का जिहड़ा फर्क है ना, अंतर है, वह 20वें पद का फर्क है, 20th टर्म नहीं होएगी, क्योंकि वह इस च हैगी तो इस च नहीं हैगी जी, बस यही फर्क है। तो लिखांगे किवें, लिखना है इस तरीके नाल, असली
VS20 माइनस S19 है 20th टर्म, मतलब A20। बस या कुछ थोड़े जे होर क्वेश्चन देखियो जी। ट्रू फॉल्स हैं, सही गलत। AP 6, 11, 16 का सांझा अंतर 5 है, केंद्र यह AP दे विच कॉमन डिफरेंस 5 आउंदा। चेक कर लो, 11 च 6 कटे 5, 16 च 11 कटे 5, बिल्कुल ठीक है जी। तो यह आंसर यह सही है, ट्रू है, ठीक है। अगे लिखे जे किसी AP A1 A2 A3 का सांझा अंतर D होवे, D ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ A1 A3 A5 A7 ਸਿਰਫ ਟਾਂਕ ਟਾਂਕ ਵਾਲੀਆਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ 2D ਆਏਗਾ, 2D ਆਏਗਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਇਫ ਇਨ ਐਨ AP ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ D, ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ D ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਓਡ ਨੰਬਰਸ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਲਈਏ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਓਡ ਨੰਬਰਸ A1, A3, A5, A7, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, 2D ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, AP ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਨੇ ਟੰਗ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਓਕੇ, ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, D ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, 2 ਚੋਂ 1 ਕੱਢੇ 1 ਆਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ, ਤੀਜੀ, ਪੰਜਵੀਂ, 1, 3 ਅਤੇ 5, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, 2, 2 ਦਾ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਆਉਂਦਾ, ਸਮਝ ਗਏ। ਅਗਰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਲੈਂਦਾ 10, 20, 30, 40, 50, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ, 10, 30, 50। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 10, 10 ਦਾ, ਉੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, 20, 20 ਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਓਡ ਨੰਬਰਸ ਚੱਕਦਾ, ਈਵਨ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਡਬਲ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰੂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ, SN ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਫੋਲਸ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅਸਲੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 2A ਹੁੰਦਾ, 2 ਟਾਈਮਸ A, 2 ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮੂਰੇ A ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲੀਆਂ N ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਦੇਖੋ SN ਦੇ 2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਰੱਟਾ ਮਾਰੋ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਫੋਰ ਫਸਟ N ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ, ਸਮ ਆਫ ਫਸਟ N ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ, ਪਹਿਲੀਆਂ N ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਇੰਨਾ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਟਾ ਮਾਰੋਗੇ ਮਾਰ ਤਾਂ ਲਵੋਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। SN ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ N/2 A+L। ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ N ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, N ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ਐਵੇਂ ਲੈਣੀਆਂ, 0 ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 100, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਰਾਂ 1, 2, 3 ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ 100 ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਦਾ SN ਕੱਢਣਾ, ਇਹਦਾ SN ਕੱਢਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਮ ਆਫ ਟਰਮਸ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜੀ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, N ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 100 ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਨੰਬਰ ਨੇ, 100 ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ, 100 ਟਰਮਸ ਨੇ, 100 ਪਦ ਨੇ। ਇੱਥੇ A ਕਿੰਨਾ, 1, ਜਮ੍ਹਾਂ L ਕਿੰਨੀ ਹੈ, L ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਟਰਮ,
ਮਤਲਬ 100ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਸਭ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ, 100ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ 100 ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 100 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, 100 ਕੀ ਹੈ? 100 ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਨ ਦੀ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 100 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 100 ਹੈ ਉਹ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ 100 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਐਨ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਥੇ 1 ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂ, 100 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਐਨ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ, ਬਾਹਰ 2 ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1 ਜਮ੍ਹਾਂ ਐਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਾਂ ਐਨ ਜਮ੍ਹਾਂ 1, ਨੀਚੇ ਲਿਖਦਾ ਬਟਾ 2, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਟਰੂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਬਸ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ 1² 2² 3² 4² ਕਹਿੰਦੇ ਏ ਪੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ। 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 1, 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 4, 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 9, 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 16। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ, 4 'ਚੋਂ 1 ਕੱਢੋ 3 ਆ ਗਿਆ, 9 'ਚੋਂ 4 ਕੱਢੋ 5 ਆ ਗਿਆ, 16 'ਚੋਂ 9 ਕੱਢੋ 7 ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਦੋ ਪਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਪਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਏ ਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਏ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਏ ਵਨ ਕੀਤਾ 3 ਆਉਂਦਾ, ਏ 3 ਮਾਈਨਸ ਏ 2 ਕੀਤਾ 5 ਆਉਂਦਾ, ਏ 4 ਮਾਈਨਸ ਏ 3 ਕੀਤਾ 7 ਆਉਂਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਏ ਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ ਫਾਲਸ, ਗਲਤ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਪੇਟੀਐਮ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।